जनपद हरिद्वार की थाना पथरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोरी की गई 4 बाइकों के साथ एक चोर गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक युवक अपाचे बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर आ रहा है। जैसे ही थाना पथरी प्रभारी सुखपाल सिंह मान, कांस्टेबल सुखविंदर, कांस्टेबल हमीद खान सहित ने ज्वालापुर मंडी रोड पर सघन चेकिंग अभियान चलाया तो एक अपाचे बाइक पर सवार युवक को रोककर सख्ती से पूछताछ की गई तो युवक द्वारा बताया गया कि फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बाइक को कहीं बेचने की फिराक में था। इसके अलावा अभियुक्त ने बताया कि अलग अलग क्षेत्रों से कुल 4 बाइकें चोरी की हुई हैं जिसको पथरी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्त ने अपना नाम छोटा और फिरोज पुत्र असलम निवासी इक्कड़ खुर्द बताया है। हरिद्वार SP देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि अभियुक्त के पास एक चाबी थी जिससे सभी गाड़ियों के लॉक खोल लेता था और उन्हें लेकर फरार हो जाता था। अभियुक्त अपाचे से सवार होकर इक्कड़ खुर्द से ज्वालापुर हाईवे की ओर जा रहा था तभी पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की गाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के खिलाफ कई धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलीम खान। बोलोगे किसी गई की गई है क्या कुछ प्रॉब्लम? कल मुखबिर की सूचना पर थाना पथरी क्षेत्र अंतर्गत SO पथरी सुखपाल मान के नेतृत्व में टीम के द्वारा एक अभियुक्त छोटा और फिरोज पुत्र असलम निवासी एकड़पुर पथरी को गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा फर्जी नंबर प्लेट पर अपाचे मोटरसाइकिल चलाई जा रही थी। बाद में सख्ती से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अन्य 3 मोटरसाइकिलें चोरी करने की घटना स्वीकार की गई, जिसमें अभियुक्त की निशानदेही पर उक्त 3 मोटरसाइकिल जो क्रमशः रुड़की, गंगनहर और ज्वालापुर से चोरी की गई थी बरामद की गई हैं। इस तरह कुल 4 मोटरसाइकिलें अभियुक्त के कब्जे से चोरी की बरामद की गई हैं, जो अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और इसके लिए पुलिस टीम बधाई की पात्र है। उम्मीद करते हैं कि इससे चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा और वाहन चोरी की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आएगी। पहले तो हरिद्वार देहात क्षेत्र की जनता को ईद की अग्रिम मुबारकबाद, साथ ही सभी से अनुरोध और अपील कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपने जीवन में अपनाएं, स्वच्छता को अपनाएं और एक दूसरे से भावनात्मक लगाव रखते हुए भी शारीरिक दूरी बरकरार रखें ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, क्योंकि सावधानी ही बचाव का एकमात्र माध्यम है। यही हम सबकी अपेक्षा भी है और कोशिश।